आप सभी का हिंदी सत्र में स्वागत है। सभी को नमस्ते। नमस्ते कुमार भैया। नमस्ते भैया, तारा भैया नमस्ते, सभी को नमस्ते। जैसे कि हम सभी जानते हैं, तो अभी 19 से हम सभी साथियों की शेयरिंग सुन रहे कि इस सत्र को अटेंड करने के बाद हमने जो भी बातें हमारे ध्यान में आई है और जो भी हमारे एक्सपीरियंस है वो हम एक दूसरे के साथ में शेयर कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज पहले कौशल किशोर बुटोलिया भैया की शेयरिंग को हम सुनेंगे। मैं भैया के बारे में इंट्रोडक्शन रखना चाहता हूँ। कौशल किशोर बुटोलिया जी इंडियन एयर फोर्स में भैया ने सर्विस की है एज अ जूनियर वारंट ऑफिसर। भैया ने फर्स्ट वर्कशॉप जुलाई 2021 से किया हुआ है और तब से भैया यूएच के साथ में जुड़े हैं और प्रपोजल्स को अपने में देखने का और जीने का प्रयास कर रहे हैं। भैया मतलब इस मॉर्निंग सेशन में काफी एक सिंसियरली भैया ने सारे सेशंस अटेंड किए हैं। इसी तरह से भैया मतलब सोशल सर्विस में, जैसे कि भैया रोटरी क्लब के भी मेंबर्स है, काउंसिलर है और सोशल सर्विस में भी अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। तो भैया को मैं अभी आमंत्रित करता हूँ कि वो अपनी बात रखे। ओवर टू यू भैया। नमस्ते। नमस्ते सभी को। जैसा मेरा परिचय दिया है, मेरा नाम कौशल किशोर बुटोलिया है और मैं ग्वालियर में रह रहा हूँ। काफ़ी दो तीन जगह नौकरी करने के बाद, 96 में एयरफोर्स छोड़ने के बाद फिर मिसूरिया में भी रहा, एक कॉलेज में भी रहा, वो सब करता रहा। मेरी फैमिली से जुड़ा हुआ ये है कि मेरा एक बेटा है जो डॉक्टर है, साइकेट्रिस्ट है, वो एचओडी है ग्वालियर मेंटल हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट मेंटल हॉस्पिटल में। और जो बहू है वो एमफिल है साइकेटिक सोशल वर्क में, तो उनका वो कम्बिनेशन है, वो चलता रहता है। और एक मेरा ग्रैंडसन है जो करीब 4 साल का है, तो उसके साथ हमारा रोज का इंटरेक्शन रहते हैं। मैंने यूएचवी जैसे बताया कि मैं 21 में जुलाई में राजानंद संस्थान की तरफ से जो मास्टर ट्रेनर्स थे उनके लिए वो अरेंज की गई थी, तो उसको मैंने अटेंड किया। फिर एक एफडीपी मैंने स्वयं ऑनलाइन अटेंड की और इसके बाद वास्तव में अभी मैं 15 दिन करीब भानु भैया के साथ जो मध्य प्रदेश में जो स्कूल एजुकेशन पे काम हुआ है उनके लिए टेक्स्ट बुक बनी है और वर्कबुक बनी है 9वीं क्लास से 12वीं तक के लिए, तो उसमें जो टीचरों की ट्रेनिंग हुई थी, करीब करीब 700 टीचर्स को ट्रेनिंग दी गई है वहाँ यूएचवी कंटेंट्स को, तो उसमें मुझे भी मौका मिला है भानु भैया के साथ दो मीटिंग्स में रहने का, मतलब 15 दिन में उनके साथ था, तो वो रहा है जुड़ाव। लगातार मैं एक्चुअली जब मैं पहले बार जुड़ा जब कंटेंट्स से तो काफ़ी एक्साइटेड था और मुझे लगा कि मुझे सब कुछ समझ में आ गया है और लोगों से शेयर करने लगा, बहुत कुछ करने लगा। ये पहली एक्सरसाइज जब हमने ज्वाइन की थी। इसके बाद दूसरी बार जब मैंने ज्वाइन किया तब मैं थोड़ा सा उस बीच में ठहराव सा हुआ और एक्चुअल कंटेंट्स से जुड़ना उस समय से शुरू हुआ। पहली बार तो जस्ट इंफॉर्मेशन के रूप में था और इसके बाद फिर सूचना के रूप में जो था वो धीरे धीरे ये समझ में आने लगा कि नहीं, शायद मुझे ऐसे ही कंटेंट्स की तलाश थी या इसी दिशा में मुझे चलना था। फिर अब जो देखें तो सेल्फ की समझ काफी हद तक बनने लगी है और ज्यादातर सजग रहता हूँ, जिसके कारण क्या हुआ कि कभी कभी जो है बॉडी में शरीर के प्रभाव में तो आ ही जाता हूँ, पर हाँ वापस आने में ज्यादा देर नहीं लगती है। दूसरा कि नेचर को देखें तो प्रकृति को जैसा है वैसा मैं देखने लगा हूँ और संसाधनों का उपयोग तो मैं बहुत ही कम करता था, उस पर भी अब और सजगता बढ़ गई है कि अगर हम संरक्षण नहीं कर पाते तो एक दूसरा वे ये भी है कि हम मिनिमम संसाधन अगर इस्तेमाल करेंगे तो अपने आप जो है उसमें हम मददगार हो सकेंगे। दूसरा ये ह्यूमन कंडक्ट में काफी सुधार हुआ है
पहले जो प्री कंडीशनिंग होती थी उसके कारण कि पर्टिकुलर टाइप के लोग ऐसे होते हैं, पर्टिकुलर एरिया के लोग ऐसे होते हैं, तो वो अभी उससे बाहर आ पाया हूँ अब। हाँ, जैसा जो है उसको वैसा स्वीकार कर, उसमें स्वीकारता थोड़ी बड़ी है। और यूएच एग्जिस्टेंस की समझ UHP 3 के बाद बनी है। उस समय जो 7 स्टेप जो थे था सेकंड एक्सरसाइज का, तो उसमें सिर्फ जस्ट एक आइडिया लगा था, लेकिन इस पे काफी जो चर्चा हुई है UHP 3 में, लोगों ने शेयर किया है और सबने मिलके जब इस पे काफी चर्चा की है, तो अब ये लगने, हाँ, ये पूरी तरह समझ पाया हूँ। हाँ, भले ही हम हर समय उस स्टेज में नहीं रहते हैं कि एग्जिस्टेंस और को एग्जिस्टेंस को, लेकिन हाँ, ये निश्चित हो गया है, ये जो विश्वास बन जाना कि हाँ ये सही है, वो जरूर हो पाया है। अब अगर हम देखें कि एक्सरसाइज 1 और 2 में मुख्य रूप से जो है, अभी सजगता बहुत बढ़ गई है। पहले मैं विचारों में बहुत बह जाता था और कंटिन्यूस बहता रहता था, और मतलब यहाँ तक हो जाता था कि मेन काम को ही भूल जाता था उस विचारों के चक्कर में, काफी घंटों खराब होते थे। लेकिन अभी मैं सहज ही बाहर आ जाता हूँ कि भाई मैं क्यों सोच रहा हूँ, जब अपने आप से ये प्रश्न पूछता हूँ, अरे भाई क्यों ये सोच रहा हूँ, फिर उसके पीछे के जब भाव देखता हूँ, तो फिर और जल्दी वो मतलब डाइल्यूट हो जाता है और वो हम वापस आने। तो ये तो ये एक्सरसाइज 1 में हुआ है। और वैसे पहले मैं सिर्फ बाहरी कारणों को जिम्मेदार मानकर दोष देता रहता था, अब मैं बस शरीर के अंतर को समझ पा रहा हूँ। संयम व स्वास्थ्य के प्रति भी काफी सजगता बढ़ी है। शरीर की संवेदनाओं में बहुत ज्यादा दिक्कत देती थी मुझे, जैसे कि पहले से जो कुछ इंफॉर्मेशंस हैं, और कुछ जैसे कभी कभी एज से रिलेटेड कोई चीज आ गई कि नहीं, उन इस एज के लोगों को ये सावधानियां बरतनी है, तो फिर खास तौर से मैं उसमें ज्यादा फंस जाता था, और अपने आप में छोटे मोटे भी सिम्टम्स होते थे उनको मैं मीनिंग्स अलग से देने लगता था। उन जो इन्फॉर्मेशन थी उनके आधार पर, कुछ पहली मान्यताएं थी उनके आधार पर, लेकिन अब क्लियरली मैं देख पाता हूँ उसको, सही मीनिंग दे पाता हूँ सही समझ के साथ, तो आराम में रहता हूँ। और एक्सरसाइज 2 का जो मेनली है संवेदना और शरीर का, उसमें ज्यादा समझ बन पाई है कि जो शरीर से आने वाली संवेदनाएं हैं और सूचनाएं हैं उनको क्लियरली पढ़ पाता हूँ और सही समझ के साथ पढ़ पाता हूँ। पहले जो हम ड्राइव हो रहे थे वो मान्यताओं से और इनसे, संवेदनाओं से, उनके साथ ही बह जाता था, अब हाँ उसमें कमी आई है। अगर हम पिछले 4 महीनों की बात कहें, जो 4th स्टेप है, पहले 3 में यही कहें कि सह अस्तित्व और अस्तित्व की जो स्टेप 2 की कही है बात, वो अभी ये UHP 3 के ज्वाइन करने के बाद इसमें काफी स्पष्टता बढ़ी है। और रियली जो सिर्फ सूचना के रूप में थी उसको मैं समझ पा रहा हूँ, फील कर पा रहा हूँ, अपने आप में महसूस होने लगा है, तो वो एक सबसे बड़ी बात है कि हम सब लोग जो है सभी यूनिट्स जो है सबमर्ज हैं, तो वो एक बात को समझने में काफी लगा कि समय लगा, क्योंकि वो मान्यताएं थी वो कभी कभी ओवर पावर कर लेती थी कि नहीं ऐसा थोड़ी होता, कभी कभी ये भी भय टाइप लगता था, अरे यार सारे लोग तो इस तरह जी रहे, कहीं तुम जो है भटक तो नहीं रहे हो, मतलब ये भी विचार आते थे मन में। लेकिन हाँ, अब वो बहुत क्लियर हो गया है और उसमें कोई दूसरा विचार नहीं है, ये सबसे बड़ी जो समझ बन पाई है। पिछले 4 महीनों में देखें तो सच कहूं वास्तव में इन 4 महीनों में UHP की जो समझ बढ़ी है उसके कारण, पहले जो सूचना के रूप में लेता था, अब जो है उस पे चिंतन चलने लगा है। दिन में खास तौर से जब मैं खाली होता हूँ या और कोई चिंतन चल रहा होता है, या कभी कभी जब हमें कहीं समय बिताना होता है, चाहे वो बार्बर शॉप में हो चाहे वो कहीं और गए हों, तो उस टाइम पे भी थोड़ा थोड़ा चिंतन करने लगा है, खाली टाइम को मैं इसमें थोड़ा यूज करने लगा हूँ। हाँ, ये नहीं कि हरदम हो तो पाता है, वो तो नहीं है। और ये जो हारमनी है, हारमनी मैं देख पा रहा हूँ सभी चीजों की, और सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन जो बाकी
व्यवस्था में है वो देख पा रहा हूँ। अपने आप में भी थोड़ा सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन भी जो बढ़ा है, और जब से चिंतन चलने लगा है तो सहभागिता की तरफ और जिम्मेदारी की तरफ बहुत ध्यान देने लगा जाने लगा है, और उसको मैं करने भी लगा हूँ। पहले जब घर में बात होती थी तो प्रीकंडीशन के कारण आपस में संवाद में विरोध होते थे, या तो वो विवाद में बदलते थे या अपने आप को उससे अलग करके थोड़ा शांत हो जाता था, चुप हो जाता था। लेकिन अभी पहले ये मान्यताएं थी कि अरे नहीं यार ये तो लोग ऐसे ही हैं और इनका जो जो सोच है वो नहीं बदली जा सकती, ये लोग ऐसे ही हैं। लेकिन नहीं, अभी जो भाव अपना संबंध का भाव जब मन में रखे उनसे जब हम संवाद शुरू करते हैं तो उसमें जो प्रीकंडीशनिंग है वो कम हावी हो रही है कि नहीं इनके साथ कुछ नहीं किया जा सकता, ये लोग ऐसे ही, तो वो खासतौर से बहुत बड़ा चेंज माना कि वो मैं मुस्कुरा के या थोड़ा अपने अंदर जो संबंध का भाव लेके जब बात शुरू करता हूँ तो जो पहले मैं पहले से ही रिएक्शन शुरू हो जाती थी बात करने से पहले ही, क्योंकि मैं विरोध के भाव में पहले रहता था तब बात शुरू करता था यार इनसे बात करना बेकार है, तो वो चीजों में बहुत बदलाव हुआ है। ऐसे ही एक दिन मैं अपने वो जो नाती है ग्रैंड सन उसके साथ, जैसे ही मैं मेरे से वो करीब 12 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल में उनको अकोमोडेशन मिली रहते हैं, हम यहाँ दूसरी जगह रह रहे हैं दीनदयाल नगर में, तो वहां से मैं डेली जाता हूँ और वहाँ 3-4 घंटे मेरे उसके साथ बीतते हैं। तो जैसे ही मैं पहुंचा तो वो बोला कि ग्रैंडसन की आज माँ ने मुझे डांटा है, मतलब गुस्सा किया है। मैंने कहा क्या हो गया? तो वो उस समय वहां पर थी बहू, तो उसने कहा कि पापा ये पूरे दिन से आज टीवी रिमोट लिए बैठा है और टीवी देख रहा है, मान ही नहीं रहा। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने कहा इसको ये बताया आपने कि टीवी ना देखे तो क्या करे? तो फिर वो बात मैंने उस दिन ज्यादा नहीं की और मैं चला आया, फिर उस पर थोड़ा चिंतन किया। दूसरे दिन मैं गया, उस दिन मैंने उससे कहा चलो हम लोग खेलते हैं कुछ करते हैं, लेकिन वो नहीं मेरे साथ आया, वो डांट के ही बजाय। तो दूसरे दिन मैं गया, मैंने कहा नैवेद्य ऐसा करते हैं आज हम लोग प्लान करते हैं टीवी टाइम, प्ले टाइम और जो खाना खाने का टाइम सब लोग हम लोग प्लान करते हैं, तो उस टाइम अपन लोग देखा करेंगे, टीवी भी खेला भी करेंगे। तो वो उसके बाद बड़े आराम से समझ में आएगी, वो राजीव हो गया और मेरे साथ बाहर खेलने हम लोग निकले। तो कहने का मतलब ये रहा कि वो जो मतलब हमें ये समझ में आने लगा कि हाँ हम उसको ये तो कह रहे हैं कि ये काम ना करो, लेकिन क्या करे वो ये भी तो बताना, ये UHV से मुझे सीखने को मिला है। अब जो कमिटमेंट वाली बात है, वो कमिटमेंट में सबसे ज्यादा मेरी समझ बढ़ाने में इस सहभागिता से हुआ। जब से मैंने वहाँ स्कूल्स के जो टीचर्स थे उनके साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ, उनकी वर्कबुक भी मैं चेक करने का काम मिला हुआ था, वो सब करता रहा, तो वो 15 दिन उनके साथ जो इंटरेक्शन हुआ तो वो जो है काफी फायदेमंद रहा। विषय वस्तु जब उन तक पहुंचाने में जो मैं साथ रह रहा था, और भानु भैया जी ने वो दो सत्र उनके जो थे वो मैंने उनके साथ 6-6 दिन के दो अटेंड किए, तो उससे काफ़ी फर्क पड़ा है। और मंथली मीटिंग और वीकली मीटिंग तो मैं अटेंड करता हूँ, पर जब से स्कूल के जो टीचरों के साथ हुआ है उसके बाद उनका रिवीजन भी चालू है, जो पूरे साल चालू रहेगा, जो कंटेंट्स उनको दिया गया है, जो बुक्स हैं उनको हम लोग फ्राइडे को रिवाइज करते हैं और सैटरडे को वो लोग सत्र लेते हैं। तो उसमें मैंने एक समरी बनाने का जो दायित्व लिया है कि जो कंटेंट्स होगा उसकी समरी मैं बनाऊंगा, तो उससे क्या होता है मैं पूरे कंटेंट्स में अटेंड रहता हूं और लिखता हूं तो और स्पष्टता बढ़ दी गई है। और स्कूलों में एक्चुअली जो UHV की विषय वस्तु रखते समय में शिक्षकों को यदि कोई मदद की आवश्यकता होती है तो स्कूल में जाकर उनकी थोड़ी बहुत मदद कर देता हूँ, और कभी कभी मैं एक दो स्कूलों में गया हूँ तो बच्चों में जो उत्साह देखने को मिला है जो 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के में, वो कंटेंट्स को बड़े सहजता से ले रहे हैं। हाँ, उनकी जिज्ञासाएं भी बहुत बढ़ रही, इवन वो आगे चले जा रहे हैं, जितना पढ़ाया जाता है उससे भी आगे पूछने लगे। तो भानु भैया के साथ वो मिलके वो पूरा टीम है जो फ्राइडे को डिस्कस करती है और डिस्कस करने के बाद सैटरडे को वो लेती है, तो इससे जो है
बहुत फायदा हुआ है। समय देने की बात है स्वयं को, मैं सुबह का तो 2 घंटे देता ही हूँ, बाकी समय भी मैं दे रहा हूँ, जैसे कि इस कंटेंट्स को वीक में 2 घंटे तो वो रहते ही हैं। उसके साथ साथ भी जहाँ भी स्कूल्स वगैरह में मैं चला जाता हूँ, जिस दिन सैटरडे को डिफरेंट स्कूल में, तो उनसे भी फिर वो कंटेंट्स के साथ मतलब इंटरेक्शन होता रहता। तो मेरी जो कमिटमेंट है वो यही है कि अगर मुझे कहीं भी और भी अगर मेरी आवश्यकता हो या मैं मेरी आवश्यकता समझी जाए कि मैं वहाँ कर सकता हूँ, तो उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। और शेयरिंग से सबसे बड़ा फायदा ये मैं देख पाता हूँ, और लोगों के भी ये मैं कह रहा हूँ, इस जब हम शेयरिंग के लिए अपनी बातें तैयार करते हैं तो एक कंटेंट्स का पूरा रिविजन सा हो जाता है, और रिविजन्स हो जाने से फिर जब हम लिखने बैठते हैं तो अपना स्व मूल्यांकन भी हो जाता है कि हम कहाँ हैं। वैसे अपने को हम ये समझ लेते हैं कि हाँ ठीक है, इसमें भी ठीक हूँ इसमें भी, लेकिन जब पर्टिकुलरली जब लिखते हैं और लिख के जब कंटेंट्स तैयार करते हैं तो उससे जो है अपना स्व मूल्यांकन होता है। और तो ये प्रोसेस मेरी चल रही है और ये कमिटमेंट है, और ये थोड़े थोड़े परिवर्तन आए हैं, ये नहीं कहता कि बहुत कुछ हो गया है, लेकिन हाँ अभी काम करना जारी है। बस इतना ही मेरी तरफ से, शवि को धन्यवाद सुनने के लिए। और कोई अगर पूछे मेरे से तो वो मेरी कॉम्पिटेंट बढ़ाने में मेरी मदद होगी, अगर कोई भी कुछ जानना चाहे या पूछना चाहे, बस इतना ही मुझे कहना, धन्यवाद। कौशल भैया की शेयरिंग के बारे में बात सुनना चाहेंगे। भैया ओवर टू यू, कुमार जी। भैया दोनों ही शेयरिंग बहुत अच्छी रही। कौशल भैया जिस तरह से निर्णय पूर्वक सुबह का सत्र अटेंड कर रहे हैं, आगे बढ़कर अपनी भागीदारी भी दे रहे हैं, मध्य प्रदेश की शिक्षा में मीटिंग्स भी अटेंड कर रहे हैं, इससे उनकी गति भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। तो पिछली बार जिस तरह की शेयरिंग थी उसके मुकाबले देखें इस तरह की शेयरिंग और अच्छी रही। और मुझे लगता है कौशल भैया के पास काफी समय है और मध्य प्रदेश में काम भी काफी ज्यादा है, और जिस तरह से आपने शेयरिंग की कि आपने अपने नाती के साथ कैसे सिचुएशन को रिजॉल्व किया, तो छोटे बच्चों के साथ एजुकेशन में काम करने के लिए अच्छा अवसर है यहाँ पे पूरे प्रदेश में। आप जितना उसके लिए अवसर निकाल पाएंगे, उसके अर्थ में निर्णय ले पाएंगे, वो आपके विकास के लिए और पूरी शिक्षा के विकास के लिए बहुत उपयोगी रहेगा। जो यूएसपी 3 में बातें कही गई, आपका बहुत सारा ध्यान गया, एक्सरसाइज 1 और 2 में जितनी बात कही थी उससे और विस्तार और गहराई में बात कही, बट मुझे लगता है कि और भी थोड़ा समय लगाए हो सके तो अगर हम लोग आगे फिर से इसको रखें PhD 3 को, तो हम सबका और ध्यान जाएगा, अन्यथा रिकॉर्डिंग्स भी है उपलब्ध उनको भी और सुने, तो जो तात्विक बातें हैं उस पर और ध्यान जाएगा। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। राय सर की शेयरिंग भी बहुत अच्छी रही। एक अच्छी बात यह है कि कौशल जी और राय सर दोनों लोग पूरे समय उपलब्ध हैं, तो राय सर ने भी ये निर्णय लिया कि अब जो टीचिंग का काम था उसको विराम दिया जाए और अब पूरे समय उपलब्ध हैं आप, और आपकी भागीदारी दिन ब दिन बढ़ रही है। अभी AKTU में जो मूल शिक्षा का काम चल रहा था उसके कोऑर्डिनेशन के लिए एक मुख्य जिम्मेदारी आपको भी दी गई है, और साथ ही में मैंने देखा है कि वर्कशॉप प्रोफेसर के साथ मुझे 2 बार लेने का अवसर मिला, मतलब जिसको हम लोग पहले PSL 2 और PSL 3 कहते थे, जिसमें UHV 3 का ही कॉन्टेंट स्वयं के ज्ञान को लेकर पहले होता था और PSL ज्ञान को लेकर हम लोग बाद में रखा करते थे, जिसमें आप दोनों में साथ में रहे, और आपका तात्विकता पे ध्यान देने का एक गहरा अभ्यास है और तात्विकता के स्तर पर ही जाकर अपने को रिजॉल्व फील करते हैं। तो जैसे हम लोग जब कहते हैं ना कि तात्विक बौद्धिक और व्यवहारिक 3 भाग में किसी बात को रखा जाता है, तो तात्विकता में हम ब्लॉक B1 को एड्रेस करते हैं, ठीक है किस तरह से कोई बात हमारे चिंतन बोध अनुभव में आती है। बौद्धिकता में हम ये देखते हैं कैसे हमारी कल्पनाशीलता फैलती है, और फिर व्यवहारिकता में हम देखते हैं कि कैसे वो हमारे आचरण में जाता है, व्यवहार कार्य भागीदारी में जाता है। तो तात्विकता पे ध्यान देने का आपका एक अच्छा अभ्यास है, और इसको और एनरिच अगर किया जाए और इसको व्यवहारिकता से भी जोड़ा जाए, बौद्धिकता तो है ही साथ में, तो स्वयं में भी अच्छी गति बनेगी, और जिस तरह का आपके पास समय उपलब्ध है और शरीर का जो स्वास्थ्य है उसके साथ आप एक अच्छी बड़ी भागीदारी कर पाएंगे। अभी बहुत सारे वर्कशॉप की जरूरत है, AKTU में भी बहुत सारे वर्कशॉप की जरूरत है और प्रदेश भर में वर्कशॉप की जरूरत है, तो इसको आप अच्छे तरह से कर पाएंगे, और आपका जुड़ाव तो बना ही रह रहा है। अच्छी बात यह भी है कि परिवार में अनुकूलता है,
जो पत्नी है दीदी वो काइट कॉलेज है गाजियाबाद में, वहाँ फैकल्टी है, और काइट में अभी हम लोगों ने 3 दिन का वर्कशॉप किया था, तो उसमें भी एक अच्छी संभावना बन रही है। परिवार सहित आप अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी के लिए शिक्षा कार्यक्रम उसमें अपने को लगा सकते हैं, बहुत अच्छी संभावना है जी। तो मेरी तरफ से आप दोनों लोगों को शुभकामना बधाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं कोशिश करूंगा कि और अधिक से अधिक भागीदारी को करूं समाज में। और यहीं पर मैं कौशल भैया को भी बधाई देता हूं कि उनके साथ भी जिस बात का वो जिक्र कर रहे थे कि एमपी के स्कूल एजुकेशन की शिक्षा में भानु भैया के साथ हम लोग वहां पे थे, तो मैंने कौशल भैया के व्यवहार और सब कुछ देखा, उनकी भागीदारी को देखा, तो वाकई रिटायरमेंट के बाद उनकी एक बहुत अच्छी भागीदारी है। तो कौशल भैया को भी बहुत बहुत बधाई जी। जी धन्यवाद भैया, आज दो बहुत ही सुंदर शेयरिंग रही। कल निरुपमा जी और उषा वैश जी की शेयरिंग रहेगी, और जो भी साथियों ने अभी तक अपना नाम नहीं दिया है वो अपना कृपया नाम दे सकते हैं। 31 जुलाई का जो डेट है उसमें दोनों स्लॉट्स वेकेंट है, तो जो भी साथी हिंदी में अपना शेयरिंग के लिए नाम देना चाहते हैं वो 31 जुलाई के बारे में सोच सकते हैं। तो सभी का धन्यवाद भैया, क्या आज के लिए हम रोक सकते हैं? जी भैया रोक लेते हैं, सभी को धन्यवाद। नमस्ते, 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 नमस्ते।